एकमात्र चिकित्सा रही था एवं ताहा हेउछि बुलडोजर। अखिलेश यादव को कड़ा जवाब दिले योगी आदित्यनाथ। आगामी यूपी निर्वाचन रे बुलडोजर हेब बड़ प्रसंग। देखंतु एही वीडियो को किपरि विशाल कोठा को माटी रे मिसाई दिया जायछि। एही सुंदर कोठा हेउछि उत्तर प्रदेश रा पूर्वतन राष्ट्रमंत्री थिबा इकबाल अलींकर। से गत समाजवादी पार्टी सरकार रे मंत्री थिले। से शासन क्षमता रे थिबा बळे सरकारी जमी को जबरदखल करी एथिरे एही सुंदर अटलिका निर्माण करथिले। हेले योगी आदित्यनाथ को निर्देश क्रमे एहा को माटी रे मिसा जाउछ। योगी सरकार रे एभळी माफिया और प्रभावशाली लोकों द्वारा निर्मित बेआईन भावे भवन गुड़ी धराशायी करिवार वीडियो और फोटो बारंबार देखा मिलूँ। उत्तर प्रदेश रे केबे आईनर शासन नथिला। क्षमतारे थिबा लोक माफिया और प्रभावशाली लोक निज निज हिसाब रे आईन को चलाउथिले। सरकारी जमी और गरीब लोकंकर जमी को निज अधिकार को नै जाउथिले। लोक माने असहाय थिले, सेमानंको कथा सुनिबाकु केहि नथिले। उत्तर प्रदेश रो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हेबा मात्रे परिस्थिति बदलिछि। एपरि सरकारी जमी किंबा गरीब लोकंकर जमी को प्रभावशाली लोक मानक द्वारा कब्जा करा जाइथिबा जमी रे तयारी होइथिबा बड़ बड़ अटालिका को माटी रे मिसा जाउछि। सरकारी जमी और गरीब लोकंक जमी को अधिकार करी सेथिरे बड़ बड़ अटालिका निर्माण करथिबा लोकंक विरोध रे योगी सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करी बुलडोजर चलाउछन्ते। गत किछ वर्ष मध्यरे योगी सरकार प्रभावशाली लोक माफिया मानक कब्जा रे थिबा सह सह कोटी टंकार सरकारी संपत्ति और साधारण लोकंक संपत्ति उपरे बुलडोजर चलाइबारे लागिछन्ते। एहा अखिलेश यादव को खूब कष्ट देउछि। अखिलेश यादव एपरी कार्यानुष्ठान उपरे क्षुब्ध होई कहिछन्ति बीजेपी को निजर निर्वाचनी चिन्ह पद्मफूल रखिबा उचित नुहे। बीजेपी को बुलडोजर को निजर निर्वाचनी चिन्ह घोषणा करिबा उचित। तबे योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का एही वक्तव्य उपरे कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछन्ति। से ट्वीट करी कहिछन्ति जे निर्दोष लोकमानंकर संपत्ति और सरकारी संपत्ति उपरे बेआईन भाबे कब्जा करिथिबा लोकमानंकर एकमात्र चिकित्सा हेउछि बुलडोजर। एपरी ट्वीट करी योगी अखिलेश को कड़ा जवाब देइछन्ति। एहा पूर्वरो योगी आदित्यनाथ एक सभा रे कहिथिले जे मु लखनऊ रे डीजीपी ऑफिस सामने रे माफिया माने पांच महला विशिष्ट अट्टालिका निर्माण करबा विषय रे जानिबा को पाइली। एहा जानिबा परे मो पाखरे एक समाधान थिला। जदी किछि रास्ता नाही तेबे आमो पाखरे बुलडोजर अछि। बारंबार आलोचना करबा मीटिंग करबा द्वारा एभली परिस्थिति रे आहुरी समस्या देखा दे पारे। एभली परिस्थिति रे माफियांको संपत्ति उपरे बुलडोजर चलाइबा ही एकमात्र रास्ता। एहा फल रे कोनोसी माफिया बा प्रभावशाली लोक आउ सरकारी किंबा साधारण लोकंक जमी को जबरदखल करबा को साहस करिवे नाही। राजनीति में बड़ी बड़ी टीमें हाथते हैं। ये लखनऊ में आपने देखा होगा डीजीपी के आवास के पहले प्रदेश का जो डीजीपी है उनके उनका आवास और उनका कार्यालय एक ही भवन में था। उनके ठीक सामने 500 मीटर की दूरी पर एक कुख्यात बर्बर माफिया ने पांच बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर दी थी। तो मैं एक दिन डीजीपी का विदाई था तो मैं वहां गया था तो मुझे मेरे एक अधिकारी ने बताया, मैंने कहा साहब इस सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही आप जानते हैं किसकी है? मैंने कहा कि किसी ने बनाई होगी। कहा नहीं नहीं ये उस माफिया की। अरे हमने कहा किसकी जमीन है ये? तो कहा गया कि जमीन जांच करवानी चाहिए। वास्तव में मैं आया, मैंने उसके कागज मंगवाए तो मुझे कुछ कागज मिले, सब तो शत्रु संपत्ति और शत्रु संपत्ति से कोई व्यक्ति कैसे कब्जा कर लेगा। तो मैंने कहा भी इसका एक उपचार है। हम लोग लड़ रहे थे, सब जगह लड़ रहे थे। मैंने कहा जब कुछ नहीं होगा तो मैंने कहा चलो बुलडोजर तो है। एठारे उल्लेख करा जाय पारे जे योगी सरकार समाजवादी पार्टी रो प्रभावशाली नेता आजम खान, माफिया अतिक अहमद, मुख्तार अंसारी परी अनेक माफियां को द्वारा जबरदखल करा जायथिबा संपत्ति उपरे बुलडोजर चलाई सारिछन्ते। सेहिपरि रोहिंग्या अनुप्रवेशकारीक द्वारा जबरदखल करा जायथिबा 2.1 एकर जमी उपरे मध्य बुलडोजर चलाइछन्ते।
आगामी उत्तर प्रदेश निर्वाचन में बुलडोजर निश्चिंत भावे एक बड़ निर्वाचन प्रसंग होबाकु जाउछि। डॉक्टर समन्वय नंदन ब्यूरो इनपुट अर्गस न्यूज़।